तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। धूम 3 मूवी किस किसने देखी है? एक शानदार डायलॉग है यहाँ पर इस मूवी का, जो शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा और याद भी होगा आप लोगों को। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका है कर्तव्य दिखाने का, ये जो डायलॉग होता है यहाँ पर, ये सही तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अगर कुछ ऐसी चीजें की दुनिया में लगे कि हाँ यार ये चीजें कोई अचीव नहीं कर सकता है और उसको कोई अचीव करके ले जाए, तो एक तरीके से उसी की सब पूजा करने लगते हैं, उसी को सब देखने लगते हैं कि यार इसने कैसे कर दिया। वही एक आश्चर्यजनक एक तरीके से विचित्र आप लोगों की सोच क्रिएट करने वाला एक मूवमेंट होता है कि आप लोगों के लिए कि हाँ यार इसने कैसे कर दिया। और करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक पर्टिकुलर टारगेट पर फोकस रखकर अपने शेड्यूल को फॉलो करके फुल एनर्जी के साथ में उस पर लगना है, फिर देखिए ये दुनिया भी आप लोगों को सल्यूट करती हुई नजर आएगी। तो वही सही मौका होता है जब दुनिया बोले कि ये नहीं होगा और तुम उसको कर कर दिखा दो, वही सही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का और उसी को सब सैल्यूट करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना था। इसको सुनिए, पढ़िए, देखिए और आप लोग भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जब लगे कि जिंदगी आसान नहीं है, टफ चल रही है, वही सही मौका है अपने आप को निहारने का। ओके, इसी के साथ में अगर हम लोग यहां पर बात करें कोरोना वायरस की, जो केस है कल हमारी कंट्री में 92,788 के करीब देखने को मिले, 1221 लोगों की यहां पर जान चली गई और 85,625 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे इसके चलते। अच्छी बात यहां पर यह कल रिकवरी रेट जो है वो यहां पर जितने केस आए उससे ज्यादा देखने को मिला, तो ये एक अच्छी बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। बाकी जो टॉप पर यूएसए चल रहा है उसके 50,000 केस, इंडिया के यहां पर 92,000 और अगर बात करें ब्राजील के तो 39,000 के करीब केस देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये एक पूरा एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आज सैटरडे, सैटरडे को थोड़ा रिवीजन किया कीजिए और संडे और सैटरडे आप लोगों का रिवीजन का होना चाहिए कंप्लीटली। बल्कि अब तो जिस तरीके से आप लोग एग्जाम पास में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना रिवीजन के ऊपर ही आप लोगों को देना है। इसी के साथ में कल आप लोगों की एक वीडियो भी आएगी जो एज ए टेस्ट होगा, टेस्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप लोगों को आ चुका है जिसमें 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के और आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से एंजॉय किया है। अब टेस्ट 2 आएगा, इसी पैटर्न पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के, 1/3 इसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट ये आप लोग यहां पर 10 o'clock के करीब यहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 10 या फिर 9:30 रख लेते हैं जो एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो 9:30 पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद में अपना स्कोर देखेगा। ये आप लोगों का एक रिवीजन भी आप लोगों को यहां पर कराएगी, इसमें पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन इसी के साथ में कुछ स्टेटिक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर अपने आप को चेक भी इसके थ्रू कर पाएंगे और कुछ यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कल ठीक 9:30 आप लोगों को मिल जाएगी मॉर्निंग में, जिस टाइम पर आप लोगों का एग्जाम होता है 9:30 to 11:30, ठीक है। तो आइए आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक एक करके यहां पर देखेंगे क्या क्या इनके अंदर बात की गई है। सबसे पहला यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्मर से रिलेटेड बिल पास किए गए उसके बारे में, तो नजर डालेंगे आखिर फार्मर जो है पंजाब के अंदर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर अभी कुछ बातें, और एक बेसिक जो आप लोगों को इन एक्ट के बारे में ये आप लोगों को जानने को मिलेगा कि पोलम कहां कहां पर है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, और इसी के साथ में जो स्टेट क्या चाहते हैं, क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगा। इंडिया किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, हालांकि मैं कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर दूंगा ताकि अच्छे से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट हो सके कि हाँ रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है। जीएसटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जीएसटी जो है फिलहाल ऐसा नहीं कि सेंटर के पास बहुत ज्यादा पैसा है कि उससे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें यहां पर देखने को मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद में अभी आप लोग को पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ड्रग माफिया देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो उसी के चलते अभी यहां पर इसका कनेक्शन जो है वो कर्नाटक तक भी पहुंच गया है, तो कर्नाटक की जो फिल्म पर्सनैलिटी है उनको भी यहां पर अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो देखते हैं ये केस कहां पर जाकर रुकता है और क्या कंडीशन यहां पर निकल कर आती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें यहां पर सामने निकल कर आ रही है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो अब देखते हैं कहां कहां क्या क्या चीजें निकल कर आती है जो कि कहीं ना कहीं ये आप लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री को और प्योर बनाएगा, यहां पर कहीं ना कहीं गलत लोग जो है वो बाहर निकालकर फेंके जाएंगे, तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां पर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है और कई सारी चीजें और भी शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट होने के लिए वीर तालियान जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग वहां पर मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आइए इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं, ये जो आर्टिकल है इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है
और रिलेशन के बारे में जो बात कर रहा है, दो आदमियों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बात की जा रही है। जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, जो रिसेंटली अभी एक बीमारी के चलते रेजिग्नेशन देकर चले गए, तो इसी के चलते यहां पर नए जो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, तो इनके बारे में यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर को भी जो यहां पर एक नींव रखी गई है शिंजो एबे साहब के द्वारा, उसके हिसाब से इंडिया के साथ में रिलेशन बनाकर रखने चाहिए। तो नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है यहां पर, इनका नाम है यहां पर योशीहिदे सुगा। योशीहिदे सुगा जो है यहां पर ये नए प्राइम मिनिस्टर है जापान के, जो कि आगे देखते हैं किस तरीके से इंडिया के साथ में रिलेशन को लेकर चलते हैं। जापान को अगर एक बार आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग जापान के बारे में सर्च करेंगे तो जापान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं जापान को, तो ये हो गया जापान आप लोगों के सामने। यहां पर ऊपर सी ऑफ जापान हो गया, थोड़ा सा अगर आप लोग यहां पर साइड में आएंगे येलो सी देखने को मिलेगा, नीचे ईस्ट चाइना सी हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया जिसकी कैपिटल सियोल है, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, इसकी पोंगयांग आप लोग कैपिटल देखने को मिलेगी, और जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो ये जापान का मैप है जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नीचे ताइवान है जो काफी रिसेंटली अभी न्यूज में भी है इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी ये हो गया वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। तो मैप जो है एक बार अगर कहीं का देखने को मिल जाए तो मैप के ऊपर अच्छे से नजर डाला कीजिए आप लोग। आइए अब यहां पर बात करते हैं क्या क्या बातें राइटर कर रहे हैं। राइटर जो है यहां पर ये बोल रहे हैं कि फिलहाल जो है शिंजो एबे, जो कि 65 साल की उम्र के बाद में छोड़कर गए हैं, ये जापान के अंदर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिनके सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर शिंजो साहब यहां पर अभी बन गए हैं। चलिए वो तो फालतू की बात कर रखी है कि यहां पर जो यहां पर कि ये अभी किस टाइम पर यहां पर एमपी बनकर आए, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात यहां पर निकल कर आ रही है वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो रिसेंटली अभी रीशेड्यूल किए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। टोक्यो ओलंपिक यानी कि टोक्यो यानी कि जापान, जापान की कैपिटल में होने वाले थे, पर लेकिन पेंडेमिक के चलते उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो ओलंपिक की हिस्ट्री में कि ओलंपिक को रीशेड्यूल किया गया, वरना अब तक जितनी बार भी हुए हैं ओलंपिक वो कैंसिल हो गए, उस साल नहीं हुए फिर आगे हुए, और पास्ट में कितनी बार कैंसिल हुए हैं ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेशल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी और डिटेल में वहां पर डिस्कस किया था ओलंपिक्स के बारे में, तो आप लोग उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड की हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि वो हिस्ट्री से के साथ में कनेक्ट है, कुछ वर्ल्ड वॉर के साथ में भी कनेक्शन है उसका, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको क्या किया गया, रीशेड्यूल या फिर बोल सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जो टोक्यो में होने वाला था अब यहां पर इसको जुलाई में बात की जा रही है 2021 में ये आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। तो पहली बार यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो पहले जो यहां पर ये कंडक्ट कराना था गेम, तो शिंजो एबे साहब के द्वारा कंडक्ट कराना था, अब यहां पर जो ये गेम कंडक्ट कराया जाएगा ये यहां पर इन साहब के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिनका नाम है योशीहिदे सुगा। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेगा। तो ये तो हो गया ओलंपिक के बारे में। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो इंडिया और जापान के टाई के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेड की गई यहां पर स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए। एनुअल जब प्राइम मिनिस्टर समिट हुई 2006 में, 2006 से पहले जो थी वो ज्यादा नॉर्मल रिलेशन थी, पर लेकिन 2006 के बाद में रिलेशन को अपग्रेड कर दिया गया स्पेशल स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक जब वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से यहां पर काउंट किया जाता है, और ग्लोबल पार्टनरशिप भी यहां पर देखने को मिली दोनों के बीच में। इसी के साथ में आप लोगों को बताया आज के में क्वाड ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो चार मेंबर क्वाड ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जापान भी वहां पर पार्ट है, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर बात करें जो बात की जाती है एनपीटी की, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो जापान जो है फर्स्ट कंट्री है जो कि यहां पर जो हमारे साथ में रिलेशन बनाने वाली है इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो कि बात की जा रही है न्यूक्लियर वाले फील्ड में। तो इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर जो पार्टनरशिप है, जो कि जापान की पार्लियामेंट जिसको डाइट बोलते हैं, हमारी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, हमारी पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, जापान की पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं, DIET। तो पार्लियामेंट भी कई बार जैसे आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो कई कंट्री की पार्लियामेंट के नाम आप लोगों को दे देंगे और पूछ लेंगे कि यहां पर किस कंट्री में इसका नाम दिया जाता है, तो मैचिंग क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में जापान के हमारे जो रिलेशन है वो कई पैटर्न में काफी अच्छे चल रहे हैं। अगर बात करें जापान के साथ में, तो जापान के साथ में हम लोग मालाबार एक्साइज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जापान के साथ में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते अब तक अगर आप लोग इंडिया और जापान के रिलेशन की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक ट्रेन भी हमारी कंट्री में जो चलाई जा रही है जापान उसमें कई जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया के हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात करें जापान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जापान आज की डेट में चाइना के तहत हमको ऑल्टरनेटिव देख रहा है कि चाइना से अपना जो बेसिकली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हटाकर इंडिया के अंदर में लेकर आया जाए। तो ये भी एक मुद्दा है जो जापान यहां पर देखकर चल रहा है।
तो ये कुछ तो बातें ऐसी हैं जो आर्टिकल के अंदर थी, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने यहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई, आर्टिकल के अंदर नहीं थी। तो कभी आर्टिकल देखो और फिर बोलो कि सर ये कहां से आ गया। तो ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि पास्ट के बेस पर मैं आप लोगों यहां का एक थोड़ा सा रिविजन करा देता हूं। तो ये सारी चीजें हैं तो जो कि आप लोग जिसका हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एबेनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही है यहां पर, जिस तरीके से मोदीनॉमिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना था, इसी तरीके से एबे का भी जो नॉमिक्स है, स्ट्रेटजी है इकोनॉमी को लेकर, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब इनके द्वारा शेयर किया गया था, प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन थे हमारी कंट्री के, उनके साथ में, फॉरमर प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो अब टोक्यो में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलने वाले हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी क्वाड कंट्रीज की। तो देखते हैं क्या इनका भी जो रवैया है यहां पर, ये शिंजो एबे जैसा ही रहता है क्या, उसी पैटर्न में चलता है, कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें अभी यहां से हम लोगों को समझ में आएगी। तो इस तरीके से यहां पर ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, यहां पर ये काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं सौरभ के द्वारा, आप लोग भी अटेम्प्ट किया कीजिए। कई सारे बच्चे जो है वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, एक दिन आंसर देते हैं। मैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों के आंसर देखता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन आंसर देकर ये सोचते हैं कि बाहुबली बन गए, उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस आंसर देते रहिए। मैंने आप लोगों से कोविड 19 की दवाई के बारे में पूछा था, कोविड 19 की जो दवाई है उसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5, जो वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन है, डेवलप की जा रही है रशिया के द्वारा, जो कि क्लेम किया गया रशिया के द्वारा, ठीक है। स्पुतनिक 5 मैंने आप लोगों से बोला था, पर मैंने पूछा था कि स्पुतनिक किस नाम पे यहां पर रखा जा रहा है। तो स्पुतनिक 9 की रशिया के अंदर एक सीरीज है, जिसमें स्पुतनिक 1 जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट है रशिया का, जो 1957 में छोड़ा गया। इसी के साथ में स्पुतनिक 2 ये सेकंड था यहां पर, जो 1957 में छोड़ा गया, और फर्स्ट ये एनिमल डॉग, जैसे कि यहां पर इसका नाम रखा गया था लाइका, ठीक है। तो ये ज्यादा हालांकि याद रखने वाली बात नहीं है। स्पुतनिक 3 सैटेलाइट यहां पर ये 1958, और फिर स्पुतनिक जो 4th है यहां पर ये, तो ये फर्स्ट फ्लाइट थी 1916 में, ठीक है, जिसको यहां पर बेसिकली अदर नाम से भी पुकारा गया, जिसका नाम रखा गया कोरेबल स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। तो ये स्पुतनिक सीरीज जो चली आ रही है, अब यहां पर एक स्पुतनिक जो ऐड कर दिया गया यहां पर रशिया के द्वारा, ये स्पुतनिक 5 ऐड किया गया है, और इसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन है यहां पर ये। तो कोई पूछे किसके द्वारा बनाई गई है, तो रशिया के द्वारा यहां पर ये बनाई गई है। तो क्वेश्चन के आंसर जरूर अटेम्प्ट किया करो यार, आप लोग चीजों को जाकर थोड़ा सर्च करोगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को पास्ट की भी जानने को मिलेगी, जैसे यहां पर सौरभ के द्वारा ये चीजें मेंशन की गई है। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से डिटेल में आप लोग आंसर देते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर एक्साइज मालाबार के बारे में, तो ये एनुअल नेवल एक्साइज आप लोगों को देखने को मिलती है, अल्टरनेटिवली यहां पर आप लोगों को नजर आती है इंडिया और पैसिफिक रीजन में। तो इंडो और रशिया के द्वारा इसको 1992 में स्टार्ट किया गया था। जापान, जिसके बारे में अभी हमने आप लोगों से बात की, ये यहां पर 2015 में इसको ज्वाइन किया था, और 2019 की जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी ऑस्ट्रेलिया को इसमें ऐड करने की बात की जा रही है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है तो मालाबार एक्साइज को ये बोलेगा एक क्वाड एक्साइज बन चुकी है, जिसमें ये सारी कंट्री है जो क्वाड का पार्ट है, ठीक है। और बाकी जो योशिहिदे सुगा है, ये प्राइम मिनिस्टर है जापान के, तो ये अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो दवाई की मैंने आप लोगों से ये सॉरी बीमारी की जो बात की थी, ये भी याद रखिएगा, ये मैंने जो पीआईबी वाली वीडियो आती है उसमें 2 दिन कंटिन्यूअस आप लोगों को यहां पर ये आर्टिकल पढ़ाया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस तरीके की आप लोगों से बीमारियों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ गया इस बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो बीमारी है इसका नाम है यहां पर, ये है यहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, अगर याद रखनी है तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखते हैं इसको, यूसी ब्राउजर जो चाइना का था वो बंद हो गया ना अभी, उसके नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं भूलोगे अगर ऑप्शन आप लोगों के सामने रहेंगे तो, ठीक है। काफी अच्छा लगता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ना आप लोग जैसी ऐसी चीजें बोलते हैं उससे याद आ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए कि एग्जाम में चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, वो है बेसिकली मुद्दा, बाकी तो सब चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं जिनका आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, जो कि काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में, यानी कि फार्मर जो है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई एरिया में, और पंजाब में काफी लार्ज स्केल पर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के चलते यहां पर एक पंजाब की जो मिनिस्टर है उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया, हरसिमरत बादल कौर इनका नाम है। तो ये बीजेपी के साथ में मिलकर काम कर रही थी और यहां पर मिनिस्टर थी, तो इनके द्वारा अपनी जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उससे रेजिग्नेशन दे दिया गया, जिसके चलते ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। आर्टिकल जो यहां पर दे रखा है द हिंदू में, वो वहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं था, पर लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर से मैंने आर्टिकल उठाया, तो दो जो न्यूज़पेपर है उसका कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और डिटेल में यहां पर आप लोगों के सामने पिक्चर आएगी, ठीक है। तो कभी आप लोग हिंदू को देखकर बोलने लगे कि सर वो नहीं था, तो जो मुझे लगता है आप लोगों को समझाना है वो चीजें एक्स्ट्रा यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें अब यहां पर काफी एक्स्ट्रा रहने वाली है और काफी डिटेल में चलने वाला आर्टिकल, क्योंकि दो पेपर का एडिशन यहां पर हो चुका है, ठीक है। आइए बात करते हैं, हरसिमरत बादल कौर के द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया अपनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट से, जो कि शिरोमणि अकाली दल
ठीक है, जो कि काफी लंबे समय से लॉन्ग अलाई है बीजेपी का, वो यहां पर अपना गुस्सा जाया कर रहा है, दिखा रहा है कि तीन ऑर्डिनेंस यहां पर जो अभी लेकर आया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो ऑर्डिनेंस थे यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर इनके साथ में कंसल्ट भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है यहां पर पंजाब के अंदर में अकाली दल का जो वोट बैंक है वो किसान है काफी लार्ज स्केल पर, तो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया गया है। तो इसी के चलते यहां पर अभी जो है उसी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फार्मर जो है हरियाणा और पंजाब के आज के डेट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ यहां पर जो बिल लाए जा रहे हैं, पहले ऑर्डिनेंस सब बिल है यहां पर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते यहां पर कंडीशन जो है वो अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। तो बेसिकली आखिर ऐसा क्या है, ये लग रहा है कि जो फ्री मार्केट की जो फिलोसफी है, जो कोर है यहां पर एक तरीके से ये सोच रहे हैं किसान की, जो एमएसपी है यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है उनकी फसल का, अगर वो खेतों में जो अपनी खेती करते हैं, जो भी गेहूं वगैरह चावल जो उगाते हैं, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, ये माना जा रहा है कि इन बिल के आने के बाद में वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और मार्केट जो है वो एक अलग तरीके से मोनोपोली होती है, दूसरी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में मोनोपोली होती है यहां पर नजर आएगी, और गवर्नमेंट जो है जो प्रोक्योर करती है आज के डेट में वो प्रोक्योर करना भी बंद कर देगी। तो इसका मतलब यह है कि किसानों को उनकी लागत नहीं मिलने वाली है जितनी मेहनत वो यहां पर करते हैं। तो यहां पर इसका अपोजिशन काफी देखने को मिल रहा है बिल का। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को एजुकेशन के बारे में बताया था, जब हमारी कंट्री में नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आप लोग जानते हैं, तो ये अभी कब लेकर आएगी, ये 2020 में लेकर आएगी। इससे पहले जो दो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई हमारी कंट्री में उनको आप लोग याद रखिएगा, एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई है 1968 में, ठीक है, दूसरी के लिए क्या करना है इसको अपोजिट कर देना है, वो है नेक्स्ट यहां पर 1986 में। तो ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है यहां पर हमारी कंट्री में, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जो याद रखिएगा वो ये रखिएगा कि एजुकेशन जो है आज के में हमारी कंट्री में कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, मतलब हमारे संविधान में 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं इसमें, और स्टेट में स्टेट बनाएगा और सेंटर वाली लिस्ट में ओनली सेंटर बनाएगा। तो पहले क्या स्टार्टिंग से ही कॉन्करेंट में नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। हमारी कंट्री में एक संविधान संशोधन किया गया 42वां, तो 42वां संविधान संशोधन करने के बाद में 1976 में जो हमारी कंट्री में इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी यहां पर पावर में थी, तो यहां पर उस टाइम पर यह 42वां संशोधन किया गया। पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। और अभी फिलहाल अगर एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों से बात करूं तो एग्रीकल्चर जो आता है यहां पर वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, पर लेकिन कई बार एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर को भी यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट के ऊपर पॉलिटी के अंदर जब मैंने आप लोगों के लेक्चर लिए थे तो उस टाइम पर मैंने सारी लिस्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो लेक्चर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिटेल में आप लोगों को यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पहले कितने सब्जेक्ट थे अब कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर चेंज हुए, तो वो लेक्चर देखिएगा। क्वेश्चन भी चलिए आप लोग बताइए, अगर ओरिजिनली आप लोग बात करें तो सेंट्रल लिस्ट में कितने थे, स्टेट लिस्ट में कितने थे और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे यहां पर सब्जेक्ट, और आज की डेट में कितने कितने सब्जेक्ट यहां पर हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो रिविजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोग देखेगा। तो यहां पर ये जो बात की जा रही है अभी यहां पर ये एक्स्ट्रा हो गई थोड़ी सी बातें, अभी यहां पर आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है, तो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है, तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है कि जो एमएसपी का जो प्राइस है, एक तो उसके साथ में छेड़खानी की जा रही है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है जिसको एपीएमसी बोलते हैं, ये स्टेट के अंदर आती है नॉर्मली, तो इसको भी यहां पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज की डेट में एक बैकबोन की तरीके से यहां पर देखा जाता है, जो हमारी कंट्री में किसानों के लिए काफी बड़ा फायदा यहां पर पहुंचाता है। तो आज के डेट में ये बात करिए जो इशू बेसिकली यहां पर है, ये सेंटर और स्टेट का इशू आप लोग बोल सकते हैं, जो स्टेट के लिए एक अलार्म कंडीशन क्रिएट करने वाला है, अलार्मिंग कंडीशन। आखिर ऐसा क्यों है, उसके लिए मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर लेकर चलूंगा, तब आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। हमारी कंट्री में 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए गए। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो ऑर्डिनेंस के ऊपर यहां पर स्टेट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो गवर्नर है उसके हाथ में जो पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, वो किस आर्टिकल के तहत आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में भी, ठीक है। सेंटर की जो पावर होती है वो होती है आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है, जब हमारी कंट्री में जो हाउस पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा वो वर्किंग ड्यूरेशन में न हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें, 3 ऑर्डिनेंस यहां पर लाए गए। पहला जो ऑर्डिनेंस था वो था यहां पर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड द जो कॉमर्स होता है उसके बारे में था यहां पर, और यहां पर बात करें प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा जो है यहां पर ये है यहां पर फार्मर इंपावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस, और इसी के साथ में फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तीसरा यहां पर इसेंशियल कॉमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020।
तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो इस वाले को लेकर है। तो ये वाले सही है, इनके बारे में कोई दिक्कत नहीं है कि यहां सही किया जा रहा है किसानों के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाएगा कि एक तरीके से जो चीजें देखने को मिलेगी, प्राइस एश्योरेंस किया जाएगा इन सब में, वो सब चीजें देखने को मिल रही है। एसेंशियल कमोडिटी के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है और ट्रेड और कॉमर्स की जो बात की जा रही है, इस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पर वो बेसिकली कुछ प्रोविजन के ऊपर है। एक तो ट्रेड एरिया को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, दूसरा ट्रेडर को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को कैसे लेकर चला जा रहा है, और जो मार्केट फी है उसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है इनके सब के बारे में यहां पर एक अलग तरीके का एक अपना एक वो नहीं कहते कि डिफरेंट एंगल यहां पर लेकर आ रहा है। तो जो इस ऑर्डिनेंस के यहां पर सेक्शन 2M के बारे में बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस है 2020, उसको बेसिकली यहां पर हम लोग देखेंगे आखिर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि जो भी यहां पर जो चीजें निकल कर आ रही है वो सारी इस पहले ऑर्डिनेंस के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां कहां पर है। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, दो चीजों में आप लोग डिफरेंस समझिएगा। अभी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक नया ट्रेड एरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसको ये ट्रेड एरिया ही बोल रहे हैं, TA के नाम से इसको जानते हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी कंट्री में मान लीजिए CBI काम कर रही है ऑलरेडी, ठीक है, फिर यहां पर CVC भी आप लोग लेकर आ जा रहे हैं, लोकपाल भी आप लोग लेकर आ जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिसिंग है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दी जाती है कई सारी। तो या तो आप लोग ये कर लीजिए कि एक ही जो बॉडी रखिए जो भी आप लोगों को सीधा लगता है अच्छा, उसी बॉडी को इस तरीके से आप लोग लेकर चलिए और ढंग से चीजों को हैंडल कर सके, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कई सारे राज्य ये कह रहे हैं कि अभी जो है APMC जो है हमारी कंट्री के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये स्टेट के अंदर आता है। तो अभी यहां पर जो सेंटर है वो एक नया अपना एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि APMC के पैरेलल में होगा। तो यानी कि ये चीजें हो गई, या तो आप लोग ट्रेड एरिया में जाकर अपना सामान बेच लो या फिर आप लोग APMC वाले एरिया में जाकर अपना सामान बेच लो। तो यहां पर APMC वाला जो एरिया है वो जिससे जो भी यहां पर सामान बेचा जाता है उसका टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो सारा सेंटर को फायदा होता है, तो वो सॉरी स्टेट को फायदा होता है, तो वो सारा जो फायदा स्टेट का कहीं ना कहीं छिन जाएगा अगर ट्रेड एरिया आ जाएगा, तो स्टेट उसको लेकर भी दुखी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रेड एरिया जो है यहां पर बेसिकली जो एरिया माना जाता है वो एरिया लोकेशन जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है या फिर कलेक्शन है या फिर एग्रीगेशन है, तो इसको इंक्लूड करके बोला जा रहा है। इंक्लूडिंग जैसे यहां पर फार्म गेट्स हो गए, इसी के साथ में फैक्ट्री प्रमाइस हो गए, जो वेयर हाउसेज हो गए, जो साइलोज हो गए, जैसे ऐसे ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं इसमें सामान रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गए, ठीक है, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो गई, तो उसको बेसिकली ट्रेड एरिया के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। तो जो फार्मर का जो एक तरीके से यहां पर ये नया ट्रेड एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा रहा है कि नॉर्मली जो APMC वाला एरिया था उसको इससे एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि APMC वाला एरिया साइड में हो गया, जो APMC के अंदर कवर होता है ये पैरेलल में अपना एक एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बातें यहां पर बोली जा रही है कि जो ये एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है जो कि यहां पर स्टेट के अंदर यहां पर जिसके द्वारा रन की जाती है, जिसके अंदर सारे प्रीमाइस होते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये जो चीजें ऑलरेडी यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के अंदर है वो सारी चीजों से दूर हटकर यहां पर जो APMC वाला एरिया उसको छोड़कर एक नया एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोग ये समझिए कंडीशन क्या होगी यहां पर। एक साइड में तो यहां पर ट्रेड एरिया हो गया जो सेंटर का, ठीक है, सेंटर का ट्रेड एरिया हो गया यहां पर, एक साइड में हो गया यहां पर APMC वाला, ठीक है, APMC। तो यहां पर अब यहां पर एक किसान है कोई, वो किसान अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, ठीक है, तो वो किसान अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है और यहां पर अगर वो अपना मार्केट में माल जाकर बेचता है तो मान लीजिए उसको गेहूं बेचने हैं, तो यहां पर उसको जो रिटर्न मिलेगा यहां पर ये 5 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको रिटर्न मिलेगा, पर लेकिन जब यहां पर जाकर अपना सामान बेचते हैं तो यहां पर इसको जो रिटर्न मिलेगा वो 9 या फिर 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा। तो आप लोग ये बताइए कि कोई किसान इस वाले एरिया में आखिर क्यों जाएगा, तो यहां पर नहीं जाएगा APMC वाले एरिया में, तो हर एक किसान यहां पर जाना पसंद करेगा इस वाले एरिया में। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट वाला जो एरिया है, जबकि स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है यहां पर ये सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो स्टेट की पावर उस पे से खत्म होती है यहां पर नजर आएगी। तो इसको यहां पर इसलिए यहां पर काफी लार्ज स्केल पर स्टेट के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि सेंटर जो है उसको अपने हिसाब से लेने की कोशिश कर रहा है। ये इसके अंदर यहां पर जो एक्सक्लूड कर रहा है प्राइवेट मार्केट यार्ड हो गए, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड हो गए, डायरेक्ट मार्केट जो कलेक्शन सेंटर्स हो गए, प्राइवेट जो फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स हो गए, ये सारी चीजों को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब इसके अंदर ये सारी चीजें एक्सक्लूड करके चल रहे हैं जो ऑलरेडी यहां पर किसी न किसी चीज के अंदर इंक्लूड है, यानी कि स्टेट APMC एक्ट के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनको सबको ये एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक नया एरिया ट्रेड एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहा है कि इसमें आकर आप लोग काम करिए, ठीक है।
जो एग्जिस्टिंग मंडी है स्टेब्लिश की जा रही है अंडर एपीएमसी एक्ट के तहत, वो सारी एक्सक्लूड की जा रही है ट्रेड एरिया की डेफिनेशन से। तो न्यू रेगुलेशन जो है ये सारी अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि एडिशनल ट्रेड एरिया जो रहेगा वो आउटसाइड द मंडी रहेगा, ठीक है। तो जो फार्मर को चॉइस प्रोवाइड कराएगा कि वो यहां पर भी जाकर अपना प्रोड्यूस जो है, अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। तो यानी कि किसानों के पॉइंट ऑफ से ये बिल्कुल सही है, सेंटर गवर्नमेंट ये बोल रही है। प्रोटेस्ट करने वाले क्या बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले ये बोल रहे हैं कि जो एपीएमसी मंडीज है, ठीक है, उनकी एक फिजिकल बाउंड्री होती है, ठीक है, वहां पर एक फी आप लोगों को देने को मिलती है। तो एक तरीके से यहां पर अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये क्या रहेगा, अगर देखा जाए तो जो यहां पर बाहर कौन रहेगा, वो कॉर्पोरेट हाउस रहेंगे सारे, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एपीएमसी मंडी जो है वो डेवलप की जाती है एक तरीके से, लगभग जो मंडी है एवरी मंडी में 200 से 300 के करीब विलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर वहां पर उनको प्रॉपर दाम नहीं मिल रहा है, बाहर दाम मिल रहा है, तो कहां जाएंगे, तो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास में जाएंगे। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्टेट जो आता है वो मंडी को कंट्रोल करता है, तो स्टेट के अंदर चीजें नहीं आएंगी, तो सेंटर के अंदर डायरेक्ट वो चीजें आ जाएंगी यहां पर ट्रेड एरिया के अंदर, और वहां पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होंगे तो वो डायरेक्ट सामान खरीदते हुए यहां से नजर आएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में कहने की कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि जो बेसिकली जो छोटी छोटी मंडी में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनसे हटाकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में पावर दी जा रही है। सेक्शन जो 2N है यहां पर फर्स्ट ऑर्डिनेंस का, वो यहां पर ट्रेडर के बारे में जब बात करते हैं तो ट्रेडर को क्या बोल रहा है, ए पर्सन जो कोई बाय करता है, ठीक है, ए पर्सन हु जो पर्सन बाय करता है फार्मर से, जो प्रोड्यूसर जो बेसिकली यहां पर जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या तो वो इंटर स्टेट जो ट्रेड देखने को मिले या फिर इंटर स्टेट ट्रेड देखने को मिले या कॉम्बिनेशन देखने को मिले, तो इस तरीके से ट्रेडर को यहां पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो ट्रेडर है इनका यहां पर, वो ट्रेडर एक अलग तरीके से यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, होलसेल में ट्रेड कर रहे हैं या फिर एंड यूज पर कहीं प्रोडक्ट जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट कंजप्शन ये सारी चीजें, या फिर कहीं प्रोसेसर होकर जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके द्वारा बोला गया कि एनी ट्रेडर जिसके पास में पैन कार्ड होता है वो बाय कर सकता है फार्मर से, ठीक है, और ट्रेड एरिया में जाकर यहां पर चीजों को अपना एक व्यापार कर सकते हैं। तो ट्रेडर जो है वो ऑपरेट करेंगे, बहुत यहां पर ऑपरेट करते हैं बहुत एपीएमसी मंडी के अंदर और ट्रेड एरिया के अंदर, तो दोनों जगह आप लोगों को ट्रेडर देखने को मिलेंगे। अब ट्रेडर की एक नई डेफिनेशन भी यहां पर तैयार की जा रही है। तो यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्मल एपीएमसी के अंदर जो ट्रेडर रहते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रहता है। अब जो नए नए ट्रेडर आएंगे उनके पास में कोई ऐसी लाइसेंसिंग की अभी कोई बातें नहीं बोली जा रही है, तो वो किस तरीके से यहां पर सिचुएशन को हैंडल करके चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी आकर किसी भी भाव में कुछ भी खरीद कर लेकर यहां पर जा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो बाउंड्री हुआ करती थी कि हाँ इस हद से पार आप लोगों को नहीं जाना है, वो बाउंड्री भी यहां पर खत्म होती हुई नजर आएगी, प्रोटेस्टर ये बोल रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर बात की जा रही है अरहतियाज के बारे में, जिसको कमीशन एजेंट बोलते हैं। तो कमीशन एजेंट जो रहते हैं वो एक तरीके से वो क्या रहते हैं कि यहां पर जो लाइसेंस ट्रेडर रहते हैं मंडी के अंदर में, तो अरहतियाज जो रहते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस जो रहती है वो वेरीफाइड रहती है, तो लाइसेंस अप्रूवल यहां पर रहते हैं। बट आज की डेट में फार्मर जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं जो ट्रेडर अंडर न्यू लॉज के अंदर में, तो वो भी यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी नया बंदा यहां पर आकर अपने आप को एज ए ट्रेडर के रूप में यहां पर ला सकता है। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो दोनों की बात मैं यहां पर बता रहा हूं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और प्रोटेस्ट करने वाले क्या बोल रहे हैं, और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि राइटर क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 के बारे में बात करें तो यहां पर जो बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि नो मार्केट सेस, इसके अंदर कोई मार्केट सेस नहीं होगा, जो नया ट्रेड एरिया लाया जा रहा है कोई यहां से अलग से टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, जो कि नॉर्मली एपीएमसी एक्ट के तहत यहां पर जो मंडीज के ऊपर लगाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि कोई भी जो फार्मर है जो ट्रेडर है यहां पर, ये जो बिचौलिया होते हैं बेसिकली, देखिए किसान जो होते हैं, किसान क्या करते हैं, मान लीजिए 5 रुपए किलो के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लेकर गया, ठीक है, तो फिर उस पर सबका कमीशन लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर समझाया गया है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हम लोग अगर बात करें, पंजाब के अंदर अगर आप लोग बात करें तो अराउंड 8.5% के करीब जो मार्केट फी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। कैसे कैसे रहते हैं यहां पर, तो यहां पर एक मार्केट फी में 3% के नाम पर आता है, यहां पर एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट जो रहता है वो 3% के करीब आता है, ठीक है। फिर जो यहां पर अरहतियात जो कमीशन है यहां पर, वो तो 2.5% रहता है। तो टोटल मिलाकर जो यहां पर किसानों से खरीदा जाता है उसके ऊपर 8.5% का ये सारा टैक्स का स्ट्रक्चर लगकर ये फिर यहां पर जो बायर है उन तक पहुंचता है। तो अगर यहां पर ये इस तरीके से जो यहां पर ये ट्रेड जो ये बेसिकली ट्रेड एरिया क्रिएट करेंगे, तो ये वाला चार्ज जो है यहां पर ये कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसानों से
रुपए केजी यहां पर सामान निकाला जा रहा है, तो फिर सामने वाले को भी सस्ता ही देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा कमीशन यहां पर किसानों को ही दे दिया जाए, अगर किसानों को यहां पर मान लीजिए 10 रुपए केजी का यहां पर वो मिल जाए, तो बाहर ये नहीं है कि वहां पर 35 रुपए या 40 रुपए केजी मिलेगा, तो वहां पर 12 या फिर 12-13-14 के करीब यहां पर देखने को मिलेगा। तो बिचौलियों को हटाने की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है, ठीक है। पर लेकिन कंसर्न क्या है, कंसर्न यहां पर यह है कि अगर इस तरीके से फी जो है यहां पर वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली जो इंसेंटिव जो दिया जा रहा है कॉर्पोरेट हाउसेज को, रीजन क्या है, रीजन ये है, अब तो कॉर्पोरेट हाउस तक अगर वो सामान पहुंच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाकर यहां पर पहुंच रहा है, तो कल को चल के यहां पर ऐसा हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आज के में जियो हो गया एक साइड में, ठीक है, एक साइड में एयरटेल हो गया, ठीक है, तो वोडाफोन और जो आइडिया वाइडिया वो सारी चीजें आप लोग ले लीजिए, इनके अलग अलग ये यहां पर आज के में रिटेलर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो यहाँ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हो गए, कल को एयरटेल ने अपने घुटने टेक दिए, बाकी सारी सर्विस वाले छोड़कर भागे, जियो रह गए मार्केट में। आज के में जियो मान लीजिए आप लोग 500 रुपए का 2 GB दे रहा है, आप ये 600 रुपए का 2 GB आप लोग ये दे रहे हैं 3 महीने के लिए। अब मान दीजिए कल को जियो का दिमाग खनस गया, दिमाग सिनक गया, तो ये क्या करेगा, बोलेगा 500 रुपए में 1 GB मिलेगा 1 महीने के लिए, ठीक है, लेना हो तो लो, नहीं तो जो करना है कर लो। तो इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जो अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करती थी। तो एपीएमसी मंडी जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी, और जैसी एपीएमसी मंडी कोलैप्स होगी, क्योंकि फी वगैरह मिलेगी नहीं, वो सारी चीजें नहीं होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, एपीएमसी मंडी अपने आप खत्म हो जाएंगी, अब सर्वाइव किसके ऊपर करेंगी, तो फिर ये कॉर्पोरेट हाउसेज जो है ये मनमानी करेंगे, ये बोलेंगे हम तो इस भाव में खरीदेंगे, तुमको बेचना है बेचो और नहीं बेचना है तो मत बेचो, तो कल को ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे कंसर्न यहां पर दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इंसेंटिव जो है ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जैसे मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो डायरेक्ट किसानों से आलू खरीदेगी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस ये हो गया कंसर्न जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका। अब गवर्नमेंट का क्या क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने कई सारी बातें यहां पर स्टेट से पूछी। गवर्नमेंट यहां पर स्टेट से ये बोल रही है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है मंडी के अंदर में, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जो ये आप लोगों को बोल रहे हैं यहां पर कि जो दूसरे आप लोग जिस तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर सब्सिडीज है उनके बारे में अगर बात करें, तो ये सारी चीजें आप लोग मंडीज वगैरह को ना देखें, फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, ये बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर अगर आप लोग देखकर चलें अपने हिसाब से सही काम करने की कोशिश कर रही है। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग ये सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट जो यहां पर ये इस तरीके से टैक्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो ऑलरेडी छीन लिया गया जीएसटी के तहत। अब यहां पर एग्रीकल्चर का भी जो सारा फंडा चल रहा है इसके तहत भी अगर स्टेट से यहां पर चीजें इनके हाथ से चलेगी तो फिर स्टेट के पास में रिवेन्यू कैसे आएगा। तो इनडायरेक्ट वे में ये डायरेक्ट एक तरीके से अटैक बोलने की कोशिश की जा रही है जो हमारी कंट्री में एक फेडरल सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि स्टेट से हटकर सेंटर के हाथ में सारी चीजें आती हुई नजर आए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। न्यूजल लेजिस्लेशन ये बेनिफिट करेगा बिग फार्मर को, और जो इसी के साथ में बात ये की जा रही है कि जो देखिए अगर आज के में कोई बड़ा बड़ा किसान है, ठीक है, जिसके पास में दुनिया भर की जमीन है, तो और बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हैं, अपने खेतों में वो खाने पीने का सामान नहीं लगाता है कि इस तरीके से उसको काम करना है, वो मार्केट अपने खेतों में वो सामान लगाएगा जिसका मार्केट में उसको अच्छा प्राइस मिल जाता है, तो इस तरीके से ये काम करेगा, तो बड़े बड़े जो फार्मर है उनको काफी अच्छा फायदा होता हुआ यहां से नजर आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर है उनको क्या फायदा होगा, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर इस तरीके से काम कर रही है कि यहां पर जो एक तरीके से जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनको फायदा पहुंचे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको फायदा पहुंचे, और छोटे छोटे जो भी यहां पर उनकी कहानी खराब हो जाए, ऐसा यहां पर अपोजिशन बोल रहा है, ठीक है। अगर बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि सबको फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, ट्रेडर को फायदा होगा, हम तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट जो इकोनॉमिस्ट है यहां पर वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर यहां पर एक तरीका रिफॉर्म यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सेंटर जो है यहां पर एक तरीके से स्टेट को बोल रहे हैं कि मॉडल एपीएमसी एक्ट जो हम लोगों ने लाया था 2002-03 में वो भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो आप लोगों ने गिरा दिए। रीजन क्या था, रीजन ये था कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते तो स्टेट अपने हिसाब से लेकर चलेगा। आप लोग ये देखिए हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन कौन लिस्ट के अंदर आती है, सेंटर ने तो अपना लॉ बना दिया जो भी उसको लेकर आना था, अब स्टेट अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने अंदर नए नए चेंज कर अपना लॉ बना सकता है। तो इसलिए यहां पर स्टेट जो है हमारी कंट्री में एक ऐसा नहीं कि सब एक ही तरीके से सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, तो सब अपने अपने हिसाब से फिर चीजों को चेंज करते हुए नजर आते हैं। तो सेंटर ने अडेप्ट किया था जो ऑर्डिनेंस रूट थे यहां पर, तो फार्मर को यहां पर ये एक बेटर प्राइस देने की बात यहां पर की जा रही है, और फॉरवर्ड लुकिंग लेजिस्लेशन है और विन विन सिचुएशन है पर हर एक इंसान के लिए, किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये बातें बोल रही है। अब यहां पर बात करते हैं राइटर अपना सेशन क्या देना चाह रहे हैं। राइटर यहां पर ये सेशन दे रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में सबसे पहले तो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो स्टेट को अपने हिसाब से काम करने दो, आप लोग जो उनकी पावर है मत छीनिए।
एक ऑलरेडी सिस्टम जो हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश कर दिया गया है एपीएमसी का, तो उसके चलते आप लोग एक पैरेलल में सिस्टम क्रिएट मत कीजिए। जो एक्स्ट्रा पैसा है आप लोगों के पास में, जो फंड है, वो एपीएमसी को और लिबरलाइज करने में आप लोग दे सकते हैं। एपीएमसी में आप लोग इसको एक तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें यहां पर एक तरीके से आप लोगों को बर्डन लग रहे हैं, तो उसके चलते आप लोग इनको फायदा प्रोवाइड कराए जाके चीजें यहां पर सही रहे। एक लॉजिस्टिक सर्विस आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। बिहार में बात करें तो बिहार ने रिमूव कर दिया था एपीएमसी जो सिस्टम था यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते जो लॉस हुआ यहाँ पर फी रिवेन्यू का, वो सारी चीजें देखने को मिली। तो कई सारे यहाँ पर अलग तरीके फंडे अलग अलग राज्य में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर बोल रहे हैं, इंपावर करो फार्मर को, स्टेट फार्मर कमीशन के थ्रू जो रिकमेंड किया गया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर के द्वारा, ठीक है, ताकि स्पीडी गवर्नमेंट रेस्पॉन्स उनको इश्यू के ऊपर मिल सके। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अब यहाँ पर पूरे आर्टिकल का मैं आप लोग को जिस्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर यह है कि सेंटर ने जब स्टार्टिंग में एक गाइडलाइन तैयार की एपीएमसी के लिए, उसने स्टेट को बोला कि भैया एपीएमसी आप लोग ऐसा बनाओ, पर लेकिन अलग अलग राज्य ने अलग अलग एपीएमसी बना दिया और उसके अंदर कई सारे बिचौलिया घुसकर बैठ गए। सेंटर ने बोला कि भैया ये बिचौलियों को आप लोग हटा दो, तो स्टेट ने बोला हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करेगा, इनको हम लोग नहीं हटाएंगे। तो सेंटर को यहां पर अब गुस्सा आ गया, तो सेंटर उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लेकर आ गया। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जब कोई नई चीज आती है तो उसके दो पहलू देखने को मिलते हैं कि एक तो ये होगा कि यार ये फायदा पहुंचा सकते हैं, दूसरा ये होगा कि ये नुकसान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो फायदे और नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो फायदे बता रही है कि ये फायदे यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जो यहां पर प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो यहां पर मैक्सिमम नुकसान बता रहे हैं कि ये नुकसान यहां पर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर इसका बैलेंस जो निकल कर आएगा वो इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद में देखने को मिलेगा कि कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, तो वहां से चीजों का पता चलेगा। तो ये पूरा इशू जो है यहां पर कहीं ना कहीं वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, ना कि किसानों के बारे में बात की जा रही है। किसानों के बारे में तो एक तरीके से सेंटर जो है वो बोल रहे हैं कि 2022 में हम लोगों ने बोला था किसानों की इनकम डबल करेंगे, पर लेकिन जिस पैटर्न में चीजें चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उस पैटर्न में हम लोग ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये एक्ट लेकर आए हैं ताकि बिचौलियों को यहां से खत्म किया जा सके और जो किसान है उनको फायदा मिले, जो ट्रेडर है उनको फायदा मिले और जो कंज्यूमर है उनको फायदा मिले। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो सेंटर सही काम कर रहे हैं, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर यहां पर ये सिस्टम सही चलता रहेगा? अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो गई इन ट्रेड करने वालों की और कल को चलकर ये ट्रेड एरिया जो है अपनी मनमानी में आ गए, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? गवर्नमेंट तो निकल जाएगी, गवर्नमेंट तो निकल लेगी, तो फिर उसके लिए क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर ये सब अपना अपना पहलू यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली किसान क्या है, किसान के लिए तो फायदा है, किसान के पास में तो अल्टरनेटिव हो गया, जब तक एपीएमसी चल रहा है तब तक सही है, जिस दिन एपीएमसी खत्म हो जाएगा तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। वरना आज के दिन में किसान के पास में क्या हो गया, आप लोग अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाओ सामान बेचो, यहां पर दो ऑप्शन आपके पास में, एक तो हो गया एपीएमसी वाला और दूसरा हो गया ट्रेड एरिया, ठीक है। तो जहां पर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का दाम अच्छा मिल रहा है वहां पर जाकर आप लोग अपना प्रोडक्ट बेचो। तो फिलहाल के लिए किसानों के लिए एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन आगे चलकर ये इंप्लीमेंट कैसे होता है और क्या इसका फायदा नुकसान होता है वो चीजें आगे देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने 1 सितंबर का डिस्कशन देखा होगा तो वहां पर मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आइए फिर से एक बार आप लोगों को रिव्यू करा देता हूं। जीएसटी जो होता है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहां पर जीएसटी से निकल कर आता है, जिसको जी से गुड्स, एस से सर्विस और टी से टैक्स आप लोग बोलते हैं। ये एक तरीका कॉमन टैक्स है जो कि गुड्स यानी कि सामान और सर्विस दोनों के ऊपर लगता है, जो कि इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड कराई जाती है। समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट से आप लोग एक बिस्किट लेकर आते हैं, ठीक है, तो मार्केट से आप लोग बिस्किट लेकर आते हैं तो तब आप लोगों को यहां पर बिस्किट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आप लोगों ने इनडायरेक्ट वे में अपना टैक्स पे कर दिया उस बिस्किट के ऊपर। इसी के साथ में अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, आप लोग लॉयर की सर्विस लेते हैं, तो जो भी आप लोग इलेक्ट्रीशियन की सर्विस लेते हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो जो टैक्स लगता है यहां पर इनडायरेक्ट वे में, तो ये सारा आप लोगों को यहां पर ये टैक्स यहां पर देखने को मिलेगा, ओके। तो यानी कहने का मतलब है गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर टैक्स हो गया। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आगे चलते हैं यहां पर, ये हो गया जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो बोला गया सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जो कि इंटर स्टेट जीएसटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 3 तरीके से यहां पर ये चीजें हैं जो आज के डेट में आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। अब यहां पर कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाली कंट्री है वर्ल्ड में वो है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा 1954 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था और आज के डेट में लगभग 160 कंट्री ऐसी हैं जो कि इस टैक्स स्ट्रक्चर को यहां पर अडेप्ट कर चुकी हैं, ठीक है, जो कि जीएसटी है। इसमें सारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो टैक्स पे करते हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स इसमें सब्ज्यूम किया गया, इंक्लूड किया गया है।
तो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 29 मार्च 2017 में और हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये याद रखिएगा, ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारी कंट्री में लाया गया, यानी कि 101वां संविधान संशोधन लाया गया, ये यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, पर लेकिन जो बिल था यहां पर वो 122वां था। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। 122वां तो था यहां पर ये संविधान वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 101वां था, तो इसलिए इसको क्लियर रखिएगा माइंड में। टैक्स स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया वो 0, 5, 12, 18 और 28 लाया गया, और इसी के साथ में जो पेट्रोल अल्कोहल और जो ड्रिंकिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहल और जो इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी है उसको इससे बाहर रखा गया, यानी कि इस पे जो टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट का बिल होता है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में कुछ और देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में कुछ और दिल्ली में कुछ और देखने को मिलेगा। अल्कोहल यानी कि शराब का प्राइस भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से दिल्ली में खरीदोगे कुछ और नजर आएगा, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार में खरीदोगे तो कुछ और नजर आएगा। अगर बात करें पेट्रोलियम के बारे में, अगर आप लोग राजस्थान में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, अलग अलग जगह आप लोगों को पेट्रोल प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये राज्य का रेवेन्यू सोर्स यहां पर हो गया, क्योंकि इसको जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। स्पेशल रिलेट लगाया गया यहां पर 0.25% का, जो कि एक तरीके से सेमी जो प्रीसियस और सेमी प्रीसियस जो स्टोन है उसके ऊपर लगाया गया, और 3% यहां पर गोल्ड के ऊपर बात की गई। तो इन डायरेक्ट वे में अगर बात की जाए जो सेस है यहां पर, ये लग्जरी कार के ऊपर सेस लगाया गया और तबैको प्रोडक्ट के ऊपर, जिनको सिन गुड़ के नाम से भी जाना जाते हैं, इनके जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं जैसे कि तबैको प्रोडक्ट हो गया, उनके ऊपर अलग से सेस लगाया गया। सेस क्या होता है, वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, जैसे एनवायरमेंट सेस आप लोग बोल देते हैं, ठीक है, एजुकेशनल सेस आप लोग बोल देते हैं, रोड सेस आप लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एजुकेशन सेस यहां पर लिया गया तो एजुकेशन में उसका खर्चा किया जाएगा, एनवायरमेंट के लिए लिया गया तो एनवायरमेंट पर उसका खर्चा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सेस इकट्ठा करके यहां से कहीं और पर खर्चा आप लोगों ने कर दिया, वो सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें जीएसटीएन नेटवर्क, यहां पर ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया इंफोसिस के द्वारा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन, यहां पर जो मेंटेन किया जाता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में 50-50% शेयर है इसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग मुद्दे यहां पर समझ सकते हैं। तो ये पूरा आप लोगों के सामने मैंने यहां पर बताया, अभी यहां पर समझ लेते हैं आर्टिकल में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल में बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो यहां पर अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली थी उसको डिफर कर दिया गया 1st week October में, क्योंकि अभी यहां पर डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है उसके चलते इसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है 8.2 लाख करोड़ यहां पर पहुंच गया, जो कि 103% है जो फुल ईयर जो टारगेट इनका रखा गया था उसका। 15.23% के बारे में अगर बात करें टोटल यहां पर जो यहां पर बात की जा रही है, ये लोअर जीडीपी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। जो स्टेट है वो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर स्टेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओनली सेंटर और स्टेट दोनों सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर लेकिन स्टेट क्या चिल्ला रहे हैं, स्टेट ये चिल्ला रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को प्रोमिस किया था कि 14% का एनुअल जो यहां पर एक तरीके से 14% एनुअल ग्रोथ जीएसटी रेवेन्यू का आप लोगों को 2015-16 के बेसिस पर आप लोगों को देना पड़ेगा अगर कोई शॉर्ट फॉल यहां पर होता है, यानी कि अगर कोई यहां पर पैसे में कोई कमी आती है तो यहां पर कमी आप लोगों को भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बात की गई थी 5 साल के लिए। पर लेकिन जो यहां से निकलकर आ गया बोला गया था कि सेस और लग्जरी जो सिन गुड होते हैं इन सब पर टैक्स लगाकर, सेस लगाकर या फिर कोई और टैक्स लगाकर इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो इसके चलते अगर बात करें लास्ट जो ईयर की बात अगर की जाए तो स्लोडाउन देखने को मिला इकोनॉमी के अंदर में। तो स्लोडाउन जो था जो स्टेट जो था वो फाइनली उनको यहां पर जो ट्रांसफर देखने को मिला वो जुलाई 2020 में उनको देखने को मिला, जो कि थोड़ा पहले मिलना था, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर बोला जाता है कि ट्रांसफर ड्यू पड़ा होता अप्रैल 2020 से, अब उसको यहां पर अभी रोक दिया गया, उसको आगे देखने को मिलेगा। इनके पहले का अब दिया जा रहा है और अब का पता नहीं कब दिया जाएगा। स्टेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पर लेकिन उनको उनका रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो जो राइटर हैं, राइटर यहां पर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि स्टेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेंटर भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और यहां पर जो जीएसटी काउंसिल है उसकी मीटिंग जो है वो 27 अगस्त को हुई थी, अब यहां पर अक्टूबर में होगी। तो सेंट्रल जो है यहां पर स्टेट को दो कंडीशन यहां पर बोल रहा है, दो कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये बोल रहे कि आरबीआई से आप लोग उधारी ले लो, दूसरा बोल रहे आरबीआई के एक तरीके सहायता से आप लोग चीजों की उधारी ले लो। तो दो ऑप्शन यहां पर रख दिए सेंटर ने, यानी कि यहां पर बोला गया कि आप लोग बोरो कर लीजिए 97,000 करोड़ मार्केट से, आप लोग आरबीआई से उधार ले लीजिए, ठीक है, स्पेशल विंडो के थ्रू लो रेट पर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, 2.35 लाख करोड़ जो है आप लोग जो आरबीआई के थ्रू एक तरीके से फैसिलिटेट करा देगा मार्केट से आप लोग ले लीजिए। तो एक तरीके से जो यहां पर बर्डन रहेगा रीपेमेंट का वो एक तरीके से हम लोग कंपनसेशन कर देंगे, सेस के थ्रू उसको प्रोवाइड करा देंगे।
तो देखिए एक तरीके से यहां पर जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है जो उसने प्रॉमिस किया था, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड कराई थी वो नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो जो सेस प्रपोज कर रहे हैं यहां पर वो इनके द्वारा बोला गया कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा उसको, ताकि यहां पर जनता एक तरीके जो जनता पर सेस लगेगा जिससे कि यहां पर स्टेट का वो रिवेन्यू प्रोवाइड करा सके। तो कहने का मतलब ये रिवेन्यू जो है वो एक तरीके से जो नीचे गिरने वाला है 20% के करीब नीचे गिरने वाला है। जो इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं वो इफेक्ट होने वाले हैं यहां पर लेस, अगर 0.5% की बात करें। इसी के साथ में अगर सेक्टर के बारे में बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर या फिर जो दूसरे सेक्टर है उन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम कहां कहां पर आ रही है, तो हर एक एरिया में प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सेक्टर जो है जैसे एयरलाइंस हो गया, होटल हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट लॉस हो रहा है, तो इनकम टैक्स भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जो इसे जो प्राइवेट जो फर्म होते हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पर प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। सारे आइटम यहां पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम यहां पर फेस करें। इनडायरेक्ट जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी काफी नीचे यहां पर आने वाला है। तो ना यहां पर यह बात की जा रही है कि जो सेंटर को द्वारा 42% यहां पर स्टेट को शेयर दिया जाता है उसमें भी कमी आने वाली है, तो उसमें भी कमी देखने को मिली है। थोड़ा ना कि उसको पूरा मिल जाएगा, तो लगभग 2,00,000 करोड़ के करीब यहां पर लॉस होने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू ले लगाया जा रहा है कि 10% के करीब यहां पर लॉस होने वाला है, जो कि लगभग बोला जा रहा है टैक्स कलेक्शन जो है वो डाउन जाएगा 12,00,000 करोड़ के करीब यहां पर 2021 के लिए। पर लेकिन राइटर जो है राइटर यहां पर बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन सही है एक तरीके से यहां पर जो देखने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन 10% से ज्यादा कैलकुलेशन नीचे जाने वाली है, क्योंकि इससे साथ में यहां पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सेंटर जो है वो एक फिर भी गुड पोजीशन में है एज कंपेयर टू स्टेट के, वो आसानी से बोरिंग कर सकता है काफी लार्ज स्केल पर, लेकिन स्टेट को बोरिंग करनी थोड़ी टफ पड़ेगी। तो सेंटर को यहां पर इसकी हेल्प करनी चाहिए, लार्ज बोरिंग जो प्रोग्राम है यहां पर वो अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टेट जो है वो अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से यहां पर कंडीशन देखने को मिल रही है अनसर्टेनिटी वाली, ठीक है। तो उसके चलते सेंटर को यहां पर इसकी हेल्प करनी चाहिए, सेंटर को स्टेट के ऊपर डालकर चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बातें यहां पर इसके द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये था डिटेल में यहां पर आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, अफगानिस्तान के बारे में इसको कल ही डिस्कस कर लूंगा, अभी वैसे भी 45 मिनट के लगभग का ये हो चुका है। कल संडे रहेगा तो कल कई सारे आर्टिकल आप लोगों के हो जाएंगे, तो उसमें इकट्ठा आप लोगों का यहां पर ये आर्टिकल कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आइए आज का डिस्कशन यहीं तक ही रख लेते हैं, ठीक है। कल कवर करने के लिए इसलिए बोला है कि कल जब कवर करूंगा तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी मैं इसको 3-4 मिनट में ही इसको एक ओवरव्यू दे देता आप लोगों को, कल थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ा दूंगा मैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। बफिन बे के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि ये यहां पर एक मार्जिनल सी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि यहां पर ये है नारेस स्टेट जो कनेक्ट करता है बफिन बे को आर्टिक सी के साथ में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नॉर 2। सही आंसर क्या है, एबीसी या फिर डी। तो सही आंसर यहां पर इसका सी, ठीक है। तो बफिन बे जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गए, इधर हो गया कनाडा और उधर आप लोग ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, तो इसके बीच में यहां पर ये एरिया हो गया, आर्कटिक सर्किल के अंदर यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो डायरेक्ट कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, और कल 9:30 बजे तैयार रहिएगा, 9:30 बजे आप लोगों को क्वेश्चन वाली वीडियो मिलेगी जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ जितने भी आज तक लेक्चर लिए एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। और मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, ये ट्विटर और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और एक दो कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।